मम्मी की होनी है शुगर टेस्ट, दोनों होंगी फास्टिंग और पीपी, और वो घर पे ही लेने आएगा। और ये है मम्मी का खाना, और ये बनाई थी मैंने टमाटर प्याज की चटनी, और ये रोटी है। व्हाट्सएप कह रहे हैं कि कर देंगे, वरना जाके कोई ले सकता है या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैंने व्हाट्सएप पे उनको बोल दिया है कि वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, देखते कैसा क्या है। और कल होना है, जग जाया करो, हाँ खोल के देख तो लिया करो, तब सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है, भोला सा। कहीं चेंज ना करना पड़े। ये कुर्ता पहना तो पहले को हम लोगों ने पीस के बनाया था आज, क्योंकि अरे जल्दी घुटते नहीं है, और भाभी ने बनाया है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आदत करती हूँ आपको, मैं तो यहाँ पर मेरा पोछे का काम हो चुका है, और अब बस गैलरी का पोर्शन रह गया है। और आज बहुत ज़्यादा हमारा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कोहरे का हाल, आज कोहरा हो रहा है। उधर ज़्यादा लग रहा है ना खुले में, मैं कहती हूँ ऐसे फ़ोन में नहीं सुन रहा, लेकिन काफ़ी कोहरा हो रहा है अभी। और देखिए एक तारीख को है, ऐसे थोड़ी ना ऊपर पता चलेगा, काफ़ी कोहरा हो रहा है। तो देखिए एक तारीख को क्या होता है, कैसा मौसम रहेगा। और कल मैंने पोछा लगाया नहीं था, इसलिए आज लगाया हुआ है। कोहरा बहुत तेज़ हो रहा है, और आज मुझे अपने स्वेटर भी निकालने पड़ेंगे। मैंने अभी तक स्वेटर नहीं निकाले थे, मुझे लग रहा है आज वो मुझे निकालने पड़ेंगे। और मम्मी का आज शुगर की टेस्ट होनी है, क्योंकि कल है मम्मी का ऑपरेशन मोतियाबिंद का। तो फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, मम्मी का खाने का भी करना है, वो घर पर ही लेने आएंगे, हमारे जो भी टेस्ट होंगे घर पर ही होंगे। यहीं पर रखती है, और यहाँ का काम वगैरह सब खत्म करके हम आ चुके हैं नहा के। और मैं नहाने के बाद सबसे पहले अपने पैर की मालिश वगैरह करके मैं मुझे ही पहन रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, और पैर भी मेरे काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे पैर से चलने में और काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं नहा के आने के बाद मैं सबसे पहले काम यही करती हूँ। और ये वाले ऐसे मोजे हैं जो काफ़ी गर्म हुए हैं, जो हमारी फर टाइप की होती है उस तरह के हैं, दोनों साइड से ये पहने जाते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं नहा के, और बस अपने कपड़ों को डाल देंगे उसमें अपनी मशीन में। और गोल्डी महाराज यहाँ पर सोए हुए हैं, मॉर्निंग में ही आ गया था, जब पोछा अच्छा लगा रही थी मैं तभी आ गया था, और सब्जी वाला बहुत शोर करता है। और फिलहाल हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें जाना है अभी खाने की तैयारी करने, क्योंकि आज मम्मी की होनी है शुगर टेस्ट, दोनों होंगी फास्टिंग और पीपी, और वो घर पे ही लेने आएगा। बस फटाफट चलते हैं, क्योंकि 9 बजे से आना था, मैंने लोकेशन भेजी लेकिन अभी तक आया नहीं है, मुझे कॉल भी करनी पड़ेगी। तो देखते, वैसे मैंने कॉल की थी लेकिन उसने उठाया नहीं, देखती मैं फिर से कॉल करती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी कुछ खाया पिया भी नहीं है। फटाफट से उसके कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं जल्दी आने के लिए। और कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि उनको 5 से 10 मिनट लगेगा, तो फटाफट से हम आ गए हैं पूजा करने। और मम्मी यहाँ पर पहले से ही पूजा कर रही थी, और हालांकि जब हमारी पूजा वगैरह ख़त्म हुई उसके बीच में ही वो अंकल आ गए थे हमारी शुगर टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारी पूजा वगैरह सब हो गई है, और इसी के बीच में ही उनका फ़ोन भी आ गया था, जब तक मैं किचन में अपने खाने आने की तैयारी करने चली गई थी। और यहाँ पर मम्मी भी अपना पढ़ रही है किताब, और सब चीज़ें तो ठीक हैं कि हमारा इंजेक्शन वगैरह लगेगा और बाकी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे कल के लिए लग रहा है कि कल मम्मी का जो ऑपरेशन होना है उसके लिए। हालांकि मम्मी का दूसरी आंख में भी एक बार ऑपरेशन हो चुका है, इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन बस यही है कभी कभी डर तो लगता ही है। तो मम्मी का एक टेस्ट हो चुका है, और इसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, कि मम्मी को भी खाना देना था, तो बस मैं अभी बनाने जा रही हूँ हमारी टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। और इसके साथ ही हमने थोड़े से चने भी गला लिए थे, जो हमारे काले चने होते हैं,
क्योंकि हमारे पापा कहते थे कि काले चने खाने से हमारी जो शुगर का लेवल है वो काफी डाउन रहता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हालांकि वैसे मम्मी का शुगर लेवल काफी कम रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो हमें मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे इतनी मतलब ये नहीं लग रहा था कि हाँ बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन फिर भी मम्मी जब टेस्ट कराती हैं तो इस तरह की थोड़ी चीज़ ले लेती हैं, तो बस मैं वही बना रही थी। मैंने अपने लिए कच्चे चने किए थे और मम्मी के लिए बॉयल्ड चने किए हुए थे, और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी को रोटी भी देनी है। तो मैं टमाटर और प्याज की ही चटनी बना रही हूँ जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है, और हम लोग जब गए थे पूना में तो वहाँ पर हमें चाची जी ने खिलाई थी जो कि काफ़ी अच्छी लगी थी हम लोग को, और सिंपल भी है, 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। और मैं आटा इससे पहले ही मार चुकी थी, और इस समय हमारी सर्दी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मैंने आज अपना गर्म सूट जो है वो निकाल लिया है, क्योंकि ये नॉर्मल सूट है उसके साथ मुझे स्वेटर पहनना पड़ता है, तो बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आज मैंने वही निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो भी बन के तैयार होने वाली है, ज़्यादा नहीं, इसमें बस 5 से 10 मिनट ही लगते हैं और हमारी सब्ज़ी वगैरह सब बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पर देखिए फाइनली हमारी सब्ज़ी बन गई है, बस इसको 2 मिनट लगेगा, ये हमने निकाल लेंगे अपने उसमें, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो चाय वगैरह सब चीज़ मम्मी को एक साथ ही दूँगी, तो मैंने और भी चीज़ें कर दी थी एक साइड, अभी इसके बाद हम चाय चढ़ा देंगे मम्मी को, जब तक मैंने खाना देती जा रही थी कि मम्मी अपना खाना खा लेंगी, और साथ में मेरी चाय जो है वो भी देखी हो गई है। इसको लेके हम सीधे रूम में ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बर्तन धोने थे और यहाँ की साफ़ सफाई करनी थी, तो उसको सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करके ही चलेंगे, क्योंकि मुझे बार बार किचन में आने में दिक्कत होती है, बार बार अप डाउन करने में। और यहाँ पर मैंने जो अपने शूज़ वगैरह निकाले हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर टाइल्स पे स्लिप करते हैं, इसलिए मैं बार बार आने का झंझट नहीं रखती, मुझे जितना काम होता है मैं एक साथ करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह सब, मेरा नाश्ता आ गया है, मेरा नाश्ता, ये चाय है, और ये आज मैंने कच्चे चने किए थे, बाकी सबके लिए वैसे चने तो उबले हुए वो बना लिए हैं, और थोड़ी सी ब्रेड है, और मम्मी भी यहाँ पर खाना खा रही हैं, मम्मी का है हमारा प्याज की चटनी, और ये रोटी है, और ये सैलेड है, और मम्मी का खा के होगा अपनी टेस्ट शुगर, वो जल्दी जल्दी में ये बनाई और ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा थोड़े से चने, और यहाँ पर अभी हो जाएगा मेरा खाना, मेरा नाश्ता और मम्मी का खाना हो गया है, और इसके बाद मैं अभी फोन कर लूँगी उनको, वो 2 घंटे के बाद लेके जाएंगे मम्मी का सैंपल, और फिर देखते हैं कैसी रिपोर्ट है। शाम तक व्हाट्सएप कह रहे हैं कि कर देंगे, वरना जाके कोई ले सकता है या ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैंने व्हाट्सएप पे उनको बोल दिया है कि वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, देखते हैं कैसा क्या है। और कल होना है ऑपरेशन, बस सही रखे, सही से हो जाए ऑपरेशन, बस इसी का डर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर कौन सो रहा है, गोल्डू बहुत जोर से नींद आ रही है, गोल्डी गोल्डी इधर थोड़ी देर तक जग जाया करो, जगती ही नहीं हूँ, इतनी जोर से नींद आ रही है, वैसे जग जाया करो, आँख खोल के देख तो लिया करो, तब सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है भोला सा, बोलो ये आँखी बोलो खुली लो, ओफो बहुत जोर से नुनु आई है। अच्छा आँख ढक दूँ, वो जोशी नहीं आ रही भाई साहब, को फिलहाल सोने देते हैं और हम चलते हैं अपनी जगह पे, और अभी तो फिलहाल धूप ही निकली है, लेकिन जब निकलेगी तब बाहर थोड़ी देर बैठेंगे, अभी फिलहाल थोड़ी देर में आएगा हमारा मम्मी का शुगर टेस्ट करने, सेकंड वाली जो होनी है फास्टिंग। और यहाँ पर हमारे गेट पे धूप आती नहीं है, तो मम्मी थोड़ा बाहर जाके बैठ गई थी, क्योंकि अभी हमारी मम्मी की शुगर टेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, फास्टिंग हो चुकी है और पीपी टेस्ट करने में 2 घंटे का टाइम होता है, तो बस किसी तरह से हमें वो 2 घंटे भी निकालने थे, तो खाना वगैरह हमारा हो गया था लगभग, तो मैंने यहाँ की सोचा कि सब तक सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हड़बड़ाहट में इस समय जल्दी हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी काम भी रहता है, और इस समय सर्दी में सच बताऊँ काफ़ी देर से ही उठते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। और ये वाला वीडियो मेरा रात में ही बनके तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके मैंने उसको रख दिया था, और नेक्स्ट डे यानी कि आज मम्मी गई हुई है ऑपरेशन कराने के लिए,
और मैं बिल्कुल भी इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाई क्योंकि सिस्टर भी आ गई थी, भैया लोग भी घर पे आज थे, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो में वॉइस देने के लिए, इस समय मेरे 6 बजे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में मैं अपने वीडियो को अपलोड कर पाऊँगी, और मुझे मॉर्निंग से ही लग रहा था कि हो सकता है कि मैं ना भी कर पाऊँ क्योंकि सिस्टर भी आ गई थी, भैया लोग भी घर पे थे, और कभी कभी होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो भी नहीं पाता है। हालांकि रात में मैंने इसमें आधे से ज़्यादा एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें कर ली थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो चुका है, और फटाफट से मैं अपना जो यहाँ का कपड़ा रखा था वो उसको रख दूँगी। और यहाँ पर गोल्डी भी आ गया था, वो भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे भाग रहा था, तो मम्मी बस उसी के साथ थोड़ा सा उसको परेशान कर रही थी। तो मज़ा भी आता है जब उसके साथ खेलते हैं हम लोग। हाँ, लगा दिए बेचारी को डांट, गोल्डी को बार बार झांक रही थी, भगा दिया बेचारी को आपने। गेट खुला वैसे आ जाएगी। और यहाँ पर आ गए हमारे दूसरे टेस्ट के लिए, 2 घंटे हो गए थे, तो मैंने उनको फिर से रिमाइंड करा दिया था, लोकेशन वगैरह मैं पहले ही सेंड कर चुकी थी, तो उनको घर ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। देखिए कौन बैठा है हमारे पारे पारे गोल्डी जी, वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा दिखती है, सुना मन करता है कभी कभी इसको किसी कर लें, लेकिन पता नहीं चूहा हुआ क्या खाई होगी। और चलिए हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, थोड़ी देर बाहर धूप में भी बैठ लें, तो मम्मी भी बैठी हुई है सोच रहे थोड़ी से हम भी बैठ लेते हैं ये धूप में थोड़ी बहुत। और फाइनली यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी हमारी हल्की ही धूप है, क्योंकि हमारी धूप जब ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो वैसे भी मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे धूप से काफ़ी दिक्कत होती है, मेरा कहते हैं ना हेडक वगैरह होने लगता है, सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बस यही चीज़ होता है जिसकी वजह से मैं आती नहीं हूँ। और मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती हैं, कहती हैं ये दिन भर बहाना ही करती रहती है कि आती नहीं है, बट फाइनली इस बार तो मैं काफ़ी अक्सर रोज ही हो रहा है कि मैं बाहर आके थोड़ा बैठ जाती हूँ, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट 20। फाइनली मैं आ गई हूँ अब बाहर मम्मी के साथ, और अच्छी धूप निकली है काफ़ी तेज़, हालांकि मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि आज मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया सूट, कहीं चेंज ना करना पड़े। ये कुर्ता पहनेंगे तो हाथ फटेगी जरूर, नहीं हाथ फटेंगे, लेकिन गर्मी हो रही है इससे, गर्मी लग रही है, वैसा है ना? नहीं है पहने हम वैसा सूट पहनते हैं ना। हाँ तो ठीक है, नहीं हम दो पहने। अब मम्मी की शुगर वगैरह सब टेस्ट हो गई है, दोपहर तक रिपोर्ट आ जाएगी, 2 बजे तक बोल रहे थे ना, 2 बजे तक या 4 बजे तक कभी भी आ जाए कि मैं तो कल ही ज़रूरत है, वैसे तो वहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कांपने लगा। ये देखते हैं अभी थोड़ी देर में जाएंगे अंदर, और रजत भी आ जाएगा स्कूल से तब तक। और टमाटर प्याज की चटनी हम खा चुके हैं रोटी के साथ, अभी मैंने खाई है, मम्मी मॉर्निंग में ही खा चुकी थी। और क्या सलाद भी खाया, हाँ सैलेड भी खाया, पपीता खाया, क्या गाजर खाई, मूली खाई, पपीता मैंने दिखाया नहीं, भूल गई। और इसके बाद शाम के लिए हमने चने ही रखे हैं, चने की हम रसीली सब्जी बनाएंगे आलू और चने की मिक्स करके, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा फ़ायदा करता है चना, कहते हैं डायबिटीज़ वगैरह के लिए भी सही रहता है, थोड़ा सही रहती है। और मैंने मम्मी ने सुबह भी वो खाए थे थोड़े से चने, क्योंकि मेरा पापा जब शुगर टेस्ट कराते थे अक्सर वही खा के डायबिटीज़ चेक कराने जाते थे, तो चने खा के जाते, कहते उससे डायबिटीज़ कम आएगी, और डॉक्टर डांटेगा नहीं, आती भी थी ना वैसे पापा की तो ज्यादा आती, मम्मी की हमारी नॉर्मल आती है, तो उतना मतलब डर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि हाँ ऑपरेशन से पहले थोड़ी सी चेक हो जाए, फिलहाल जानते हैं नॉर्मली आएगी। और यहाँ पर अंदर आके हमने थोड़ी सी हरी सब्जी भी तोड़ ली है, क्योंकि हमें पता है कल मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, तो मुश्किल होगी कि हम लोग उसको तोड़ पाए, तो फिलहाल हमने और मम्मी ने दोनों ने साथ में मिलके ही इसको तोड़ लिया है, और इसको हम कल बनाएंगे, क्योंकि आज तो हमारा खाने का पहले से ही डिसाइड था कि हमें क्या बनाना है, आज हम चने की सब्जी ही बनाएंगे और कल इसको बना के ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं छौंक रही थी हमारी सब्जी जो कि काले चने की है, और इसमें 2-3 आलू रखे थे, बस वो भी मैं डाल दूँगी, और भाभी ने यहाँ पर चाय भी बना ली थी, और आज हमने चने को थोड़ा सा पीस दिया था, लेकिन आज की सब्ज़ी मुझे उतनी टेस्टी नहीं लगी, ऐसे हम खड़े चने की बनाते हैं वो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, लेकिन आज की सब्ज़ी में मुझे उतना मज़ा नहीं आया,
अब भाभी का मन हो रहा था गाजर का हलवा खाने के लिए, तो बस थोड़ी सी गाजर हमारी रखी हुई थी तो बस उसको भी मैंने मैश कर दिया और बाकी चीजें भर भी पहले आ गया है हमारा खाना। चने को हम लोगों ने पीस के बनाया था आज क्योंकि अले जल्दी घुटते नहीं है, और भाभी ने बनाया है यहाँ पर हलवा, गाजर में कद्दूकस कराई थी, बाकी भाभी ने बना लिया है ये रोटी प्याज। और ये मम्मी कैसा बना है, सही लग रही है? और हमारा चल रहा है यहाँ पर प्रोग्राम जो कि है हमारा पाकिस्तानी ड्रामा जो कि काफ़ी अच्छे आते हैं, और हमारा टाइम है और फ्रेंड्स बस अब हमारा खाना ना हो जाएगा और बाकी चीज़ें तो सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और मम्मी की टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है जो कि काफ़ी अच्छी आई है, और कल होगा होगा ऑपरेशन। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और नए हो तो मिल जाएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।